नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जो हम सीरीज लेके आए हैं वो डाटा स्ट्रक्चर के बेस पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, उसी तरह से जैसे प्रोग्रामिंग इन सी की हमने सीरीज की थी पिछली 5 वीडियो में, इसी तरह से हम डाटा स्ट्रक्चर की भी 5 वीडियो बनाएंगे। पहली वीडियो है जिसमें हम 10-10 क्वेश्चन की सीरीज को डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो या यूनिवर्सिटी एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके जितने भी डाउट्स है रिलेटेड टू डाटा स्ट्रक्चर सब क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग परम्यूटेशन कैन बी ऑब्टेन्ड इन द आउटपुट यूजिंग ए स्टैक एज्यूमिंग दैट द इनपुट सिक्वेंस इज 1 2 3 4 5। देखिए, परम्यूटेशन का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जैसे कि यहां पर 5 एलिमेंट दिए हुए हैं, पांचों एलिमेंट हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो इसकी जो अरेंजमेंट पॉसिबल है वो 120 अरेंजमेंट हमारी प्रिपेयर हो सकती है। ठीक है जी। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखा जाए तो यहां पर ये पूछा हुआ है कि 5 एलिमेंट आपको दिए हुए हैं, 5 में से कौन सा करेक्ट आंसर है, तो इसके 120 आंसर हो सकते हैं। तो 120 आंसर को निकालने से बेटर है कि आप क्या निकालो, यहां पर 120 आंसर इसके हो सकते हैं सिंपल परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग, मगर जब आप स्टैक से अप्लाई करोगे तो वहां पर भी नंबर ऑफ आंसर इसके कुछ ना कुछ 15, 20, 25 कुछ ना कुछ निकलेंगे। तो बेटर है कि आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, इन 4 ऑप्शन में से पिक करो और करेक्ट चॉइस को चूज करो। ठीक है जी। तो वन बाय वन देखते हैं हम, जैसे कि यहां पर देखिए सी ऑप्शन को अगर हम देखें तो स्टैक के अंदर होता क्या है, स्टैक का बेसिक प्रिंसिपल होता है हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले आउट होगा। तो यहां पर हम वन बाय वन अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैं एलिमेंट को इंसर्ट करूंगा, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट को इंसर्ट किया। ठीक है जी। अब यहां पर ये कह रहा है कि इसकी सीक्वेंस ये हो जाएगी, तो इसको मैं यहीं से ही पॉप कर देता हूं, तो वन यहां पर हमारा एलिमेंट सीरीज में आता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है हमारा 5, तो 5 क्या हमारा नेक्स्ट एलिमेंट 5 है? नहीं, हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, 2, तो हमें 2 को इंसर्ट करना पड़ेगा। मगर यहां पर ये क्या कह रहा है, 2 हमें 5 चाहिए, तो 2 के बाद हमें क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, 3 इंसर्ट करना पड़ेगा, 3 के बाद क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, 4। जब तक एलिमेंट ही नहीं होगा तो हम पॉप कैसे करेंगे, तो इसको इंसर्ट किया हमने लास्ट तक, 5 इंसर्ट कर दिया, 1 को हमने इंसर्ट किया मतलब पुश किया और 1 को पॉप कर लिया था उसी टाइम पे। ठीक है, बिफोर एडिंग द सेकेंड एलिमेंट हमने पॉप कर लिया था, तो 1 आ चुका है हमारा यहां पर। अब 5 को यहां से पॉप करेंगे तो यहां पर आ जाएगा। अब 5 के बाद जब पॉप करेंगे तो कहां कौन सा एलिमेंट पॉप करना पड़ेगा हमें, 4, मगर सीरीज में क्या दिया हुआ है, 2, तो ये अरेंजमेंट, ये परम्यूटेशन हमारा पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारा एक इनकरेक्ट ऑप्शन मिल गया। उसके बाद है 5, हमें सबसे पहले चाहिए, तो 5 चाहिए तो सबसे पहले 5 होना भी चाहिए, तो पहले 1 इंसर्ट होगा, फिर 2 3 4 और 5। अब 5 यहां से पॉप किया तो 5 आ गया, फिर क्या पॉप होगा, 4, फिर 3, देन 2, मगर यहां पर 5 4 3 तो मैच कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 2, तो 2 हमारा मैच नहीं कर रहा विद डी ऑप्शन, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ए ऑप्शन देख लेते हैं हम, ए ऑप्शन क्या कहता है, 3 इसको सबसे पहले चाहिए, तो पहले 1 इंसर्ट होगा, फिर 2 इंसर्ट होगा, फिर 3 इंसर्ट होगा, तो 3 यहां से पॉप हुआ तो 3 यहां पर आ जाएगा, क्लियर। अब फिर हमें हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या इंसर्ट होगा, 4 इंसर्ट होगा, नेक्स्ट एलिमेंट हमें 4 चाहिए, तो 4 यहां से पॉप हुआ तो यहां पर मिल गया हमें पॉप करके। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, 5, तो 5 यहां से पॉप किया, यहां पर मिल गया हमें। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास काफी सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, 3 4 5 ये तो आ चुका है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, 1, मगर टॉप ऑफ द स्टैक पर क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक पर हमारे पास जो एलिमेंट है वो क्या निकल के आ रहा है, 2। ठीक है, तो यहां पर 2 पॉप होगा, देन 2 के बाद 1 पॉप होगा, तो ये हमारा करेक्ट सीरीज होनी चाहिए, जो कि हमारा ये इनकरेक्ट है क्योंकि 1 पहले आया हुआ है फिर 2 आया हुआ है, मगर ये मैच कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। इसी तरह से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं बना के लाया हूं और सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर पूछा है यहां पर, टू चेक वेदर एन अर्थमेटिक ऑपरेशन हैज बैलेंस पैरेंथेसिस इज,
तो कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हमारा कोई भी एक्सप्रेशन में बैलेंस पैरेंथेसिस को चेक करता है। बैलेंस पैरेंथेसिस का मतलब है अगर ओपन ब्रैकेट है तो क्लोज ब्रैकेट भी होगी, ये वाला कंसेप्ट बता रहा है ये। या ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए तीन ओपन ब्रैकेट है, एक क्लोज हो गई, फिर ओपन ब्रैकेट, फिर क्लोज हो गई, फिर क्लोज हो गई, तो ये वाली अरेंजमेंट भी हमारी हो सकती है। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है उसके लिए कौन सा डाटा स्ट्रक्चर हमारा बेस्ट सुटेबल होगा, तो आप एक चीज समझिए, इसके लिए हम कौन सा एल्गोरिथम हम लगाएंगे वो हम स्टैक के थ्रू इजिली कर सकते हैं। कैसे? ओपन ब्रैकेट आई, ठीक है, जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक हम मैच डिक्लेयर नहीं करेंगे, एक एल्गोरिथम बनाएंगे मैचिंग और अनमैचिंग। जैसे ही ओपन ब्रैकेट आई, ओपन ब्रैकेट के बाद जैसे क्लोज आएगा, ठीक है, तो ही हम कहेंगे कि ये मैच कर गया, अदरवाइज वो मिसमैच कर गया। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ स्टैक, बहुत सिंपल सा ये स्टैक के एप्लीकेशन के अंदर आता है, बैलेंस पैरेंथेसिस को ये सॉल्व करता है, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर? स्टैक। तो इस तरह का आपको, इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो मैं ये वाले क्वेश्चन भी आपके लेके आया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारा स्टैक के ऊपर ही है। इसमें ये पूछा है कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन विद सिंगल डिजिट ऑपरेंड इज इवेल्युएटेड विद द हेल्प ऑफ दिस। यहां पर एक चीज दी हुई है कि जो ये वाला ऑपरेटर यहां पर यूज किया हुआ है, इसका मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है? कि वो पावर बन जाएगा उसकी। तो देखते हैं यहां पर ये पूछा हुआ है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, दो टू मल्टीप्लीकेशन यहां पर यूज किया हुआ है, एक यहां पर और एक यहां पर। तो ये कह रहा है कि ये दो मल्टीप्लीकेशन में जो फर्स्ट मल्टीप्लाई इवेल्यूट होगा, जब इवेल्यूट करने के बाद टॉप ऑफ द टू एलिमेंट्स कौन से होंगे स्टैक के अंदर, आफ्टर इवेल्यूशन ऑफ द स्टार। स्टार को इवेल्यूट करने के बाद टॉप ऑफ द स्टैक पे दो टॉप मोस्ट एलिमेंट हमें बताने हैं कौन से होंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब वन बाय वन हम इसमें स्टैक में इंप्लीमेंट करते हैं। तो स्टैक में सबसे पहला क्या आ रहा है हमारा? एट। एट को हमने स्टोर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है? टू। टू को स्टोर कर दिया। देन नेक्स्ट एलिमेंट है थ्री। थ्री को स्टोर कर दिया। अब ये करने के बाद नेक्स्ट जो आ रहा है वो ऑपरेटर आ रहा है। ऑपरेटर कौन सा है हमारा? एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, जो कि गिवन है। ठीक है जी, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब हम इवेल्यूशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक, तो हमेशा जब कभी भी ऑपरेटर एनकाउंटर हो जाए तो टॉप ऑफ द स्टैक में जितने भी ऑपरेंड है, नीचे वाले दोनों ऑपरेंड उसको हम लिख लेंगे और ऑपरेटर को इसके सेंटर में फिट कर देंगे। ठीक है, और ये जो ऑपरेटर है वो क्या है? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब है दैट इज इक्वल टू टू रेस्ट टू पावर थ्री, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? एट। तो यहां पर इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आ जाएगा? इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा, एट तो पहले ही था, हमने इन तीनों को सोल्व किया है, इन तीनों को पॉप कर देंगे यहां से और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या स्टोर हो जाएगा? एट। ध्यान रखना ये एट तो ऑलरेडी था यहां पर। ठीक है, ये इन तीनों का जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट है वो मैंने यहां पर स्टोर किया। ठीक है जी, अब उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर क्या आ रहा है? डिवाइड। डिवाइड ऑपरेटर आ गया। ऑपरेटर आते ही जो नीचे हमारे दो एलिमेंट है एट और एट, उसके सेंटर में हम ऑपरेटर को फिट कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो इसका क्वोशन्ट क्या आएगा? देखिए डिवाइड का मतलब है क्वोशन्ट। तो इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद इसका रिजल्ट क्या आ गया? वन। तो टॉप ऑफ द स्टैक में हम क्या डाल देंगे, मतलब ये पूरा सॉल्व होने के बाद स्टैक पर क्या रह गया? स्टैक पर रह गया हमारा वन। ठीक है जी, अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है डिवाइड के बाद? टू। तो टू को स्टोर कर देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है टू के बाद? थ्री। थ्री को स्टोर कर देंगे। देन नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है थ्री के बाद? स्टार। देखिए यही क्वेश्चन था हमारा, स्टार आ गया। स्टार आते ही हमें मतलब नहीं है कौन सा ऑपरेटर है, ऑपरेटर आते ही जो भी ऑपरेंड है, ऑपरेंड क्या है हमारे? टू और थ्री, उसके सेंटर में हम ऑपरेटर को लगा देंगे, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? सिक्स। इसको पॉप कर देंगे और इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? वन तो ऑलरेडी था, इसको एज इट इज रखा और इसका जो रिजल्ट था वो क्या आ गया? सिक्स। तो इसने क्या क्वेश्चन किया था? क्वेश्चन ये किया था, फर्स्ट स्टार को इवेल्यूट करना है, आफ्टर इवेल्यूशन ऑफ दिस स्टार टॉप ऑफ द टू एलिमेंट्स कौन से होंगे स्टैक में। तो देखिए टॉप ऑफ द स्टैक में पहले सिक्स होगा फिर वन होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 6,1, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। ठीक है जी, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे और रिजल्ट निकालते जाएंगे। होपफुली आपको समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा,
कंसिडर द फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म ऑन स्टैक जिसका साइज दिया हुआ है 5। मतलब स्टैक के अंदर टोटल एलिमेंट जो आप स्टोर कर रहे हो वो टोटल एलिमेंट स्टोर कर रहे हो 5 एलिमेंट्स। ठीक है जी, तो यहां पर ये पूछा हुआ है आपसे कि ये ऑपरेशन को, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को आपको एग्जीक्यूट करना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल ऑपरेशन द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द स्टैक। तो यहां पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको पता है पुश एंड पॉप का मतलब क्या होता है स्टैक के अंदर, कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहां पर देखिए सबसे पहले पुश वन, वन को पुश किया, पुश करने के बाद क्या कर रहा है ये पॉप, तो वन को पॉप कर देंगे। पॉप करने का मतलब है यहां से हट जाएगा। अब अनदर एलिमेंट क्या पुश किया हमने, टू, ठीक है, टू पुश किया, फिर अनदर एलिमेंट थ्री पुश किया, थ्री पुश होने के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है पॉप, तो थ्री पॉप हो जाएगा। ये होने के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आ गया फोर, फोर को पुश कर दिया, नेक्स्ट एलिमेंट आ गया पॉप, फोर को पॉप किया, फिर अगेन पॉप, तो टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या है टू, ये पॉप हो गया। अब उसके बाद पुश फाइव, तो यहां पर ये कह रहे कि ये सारे ऑपरेशन होने के बाद टोटल एलिमेंट कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है, ये नहीं पूछा कि कौन सा एलिमेंट है, ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है स्टैक के अंदर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑल द ऑपरेशन। तो कितने एलिमेंट है हमारे, 1 2 3 4, ये तो हट गए, अब एक ही एलिमेंट ये रह गया हमारा, तो दिस इज द आंसर, यू कैन से एक ही एलिमेंट हमारा आ रहा है इसमें। इसको आप दूसरे वे में भी कर सकते हो, शॉर्टकट वे में नंबर ऑफ पुश ऑपरेशन को काउंट कर लो, नंबर ऑफ पुश ऑपरेशन कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 पुश ऑपरेशन है माइनस नंबर ऑफ पॉप ऑपरेशन, तो पॉप ऑपरेशन कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दैट इज द वेरी शॉर्टकट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर, तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं, बहुत इजी वे में आपको समझ में आता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, डाटा स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है, मैं यहां पर ट्री से रिलेटेड अब क्वेश्चन लेके आया हूं। बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री एक वो ट्री होती है जिसके अंदर एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, रूट एलिमेंट जो भी है, ठीक है, रूट एलिमेंट जो भी वैल्यू रूट एलिमेंट पे है उसके लेफ्ट में जितनी भी वैल्यू आएगी वो सारी की सारी उससे स्मॉलेस्ट होगी, ठीक है, और राइट में कौन सी वैल्यू होगी हमारी, रूट वैल्यू से जितनी भी ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो सारी की सारी राइट एंड पे मिलेगी हमारी, यू कैन से राइट सब ट्री होगी वो। क्लियर, तो यहां पर क्वेश्चन कराया हुआ है कि हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे, ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं इस तरह से इंसर्शन होगा, ये पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ आइटम कितनी होगी लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड ऑफ द रूट, रूट के लेफ्ट सब ट्री में कितने आइटम है और राइट में कितने आइटम है, ठीक है, पहले इसको क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो रूट नोड बन जाएगा, ठीक है, 40 इज द रूट नोड, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है 60, 60 कंपेयर होगा रूट से तो लार्जेस्ट है तो वो कहां चला जाएगा राइट में, ठीक है जी, हमेशा जो भी एलिमेंट आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है 50, 50 कंपेयर विद द रूट एलिमेंट, 50 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द 40, देन मूव टू द राइट साइड एंड अगेन राइट साइड में ऑलरेडी एक वैल्यू थी इससे कंपेयर होगा, तो 60 से कंपेयर हुआ किसको कंपेयर करेंगे हम 50 को, तो 50 जो इंसर्शन एलिमेंट है वो छोटा है 60 से, तो वो कहां चला जाएगा, हमेशा जो भी एलिमेंट है वो हमेशा प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा, जो भी एलिमेंट है उसके लेफ्ट में स्मॉलेस्ट होंगे, किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग पूरी ट्री के अंदर कहीं पर भी किसी भी पोजीशन में एलिमेंट है तो वो हमेशा उसके लेफ्ट पार्ट में स्मॉलेस्ट होगा, उसके राइट पार्ट में ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 33, तो 33 किससे कंपेयर होगा, फर्स्टली रूट नोड से, तो 33 जो इंसर्टेड एलिमेंट है वो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है मतलब वो लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में कुछ भी नहीं था तो इंसर्ट कर देंगे हम। 55 कंपेयर विद 40, ग्रेटर है तो राइट साइड में जाएगा, 60 से कंपेयर होगा इससे लेस देन है तो यहां पर जाएगा, 50 से ग्रेटर देन है तो यहां मूव कर जाएगा, तो 55 यहां इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से हम इंसर्शन करते जाएंगे। 11, 11 एलिमेंट कंपेयर विद द 40, 11 जो इंसर्टेड एलिमेंट है वो स्मॉलेस्ट है तो लेफ्ट साइड में जाएगा, मगर लेफ्ट में ऑलरेडी है तो इससे भी कंपेयर होगा, 33 से भी लेफ्ट में स्मॉलेस्ट है तो 11 लेफ्ट में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो सारे एलिमेंट हम इंसर्ट कर चुके हैं, ट्री हमारी प्रिपेयर हो चुकी है। अब इसने क्वेश्चन किया कि रूट नोड, रूट नोड हमारा ये वाला था
इस रूट नोड के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर ये पूछा है कि लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री का मतलब है दिस इज द पार्ट ऑफ लेफ्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ लेफ्ट एंड दिस इज द पार्ट ऑफ राइट। तो लेफ्ट सब ट्री में कितने एलिमेंट है, टू एलिमेंट्स है, और राइट सब ट्री में एलिमेंट्स पूछा है इसने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर थ्री है, तो टू कोमा थ्री। देखिए ध्यान रखना, क्वेश्चन को जरूर ध्यान से समझना है, पहले लेफ्ट है देन राइट है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू कोमा थ्री। कई बार क्वेश्चन में गलती कर देता है ये, गलती नहीं सॉरी, स्टेटमेंट को चेंज कर देता है, क्या कर देता है, राइट एंड लेफ्ट, तो राइट पहले आ जाएगा फिर लेफ्ट आएगा, मगर यहां क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, लेफ्ट एंड राइट, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है हमारा, स्पेनिंग ट्री। स्पेनिंग ट्री एक वो ट्री होती है, कोई भी ग्राफ आपको दिया हुआ है, मान लीजिए ये ग्राफ दिया हुआ है ए बी सी एंड डी, एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के अंदर ठीक है स्पेनिंग ट्री निकालनी है, तो ट्री क्या होती है, एसाइक्लिक ग्राफ, ठीक है जी। तो यहां पर स्पेनिंग ट्री, नंबर ऑफ स्पेनिंग ट्री हो सकती है, तो स्पेनिंग ट्री कौन सी होती है कि जो भी ग्राफ आपको दिया हुआ है उस ग्राफ के अंदर साइकिल क्रिएट नहीं होने चाहिए, पहली चीज। दूसरा, नंबर ऑफ वर्टिसेस जितने भी है वो सारे के सारे कवर होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज, वो कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, कनेक्टेड होना चाहिए पहली चीज तो। दूसरा, नंबर ऑफ वर्टिसेस जितने भी है वो कवर्ड होने चाहिए। एंड द थर्ड वन इज द फर्स्ट सेकेंड एंड द थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी कि असाइक्लिक ग्राफ होना चाहिए, असाइक्लिक का मतलब है साइकिल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी अगर फुलफिल कर रही है तो हम कहेंगे कि ये स्पेनिंग ट्री है, ठीक है जी। तो यहां पर ये पूछा हुआ है कंप्लीट ग्राफ विद फोर वर्टिसेस, कंप्लीट ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें कोई भी नोड ऐसा नहीं होगा जो दूसरे नोड से कनेक्टेड ना हो, मतलब कंप्लीट ग्राफ का मतलब है एवरी वर्टिसेस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टिसेस। जैसे कि फोर वर्टिसेस का इसने कहा, तो ए जो है वो बी से भी कनेक्ट होगा, सी से भी और डी से भी, तो ए बी से तो कनेक्ट है, डी से भी है और सी से भी कनेक्ट होगा। इसी तरह से बी बी जो है, एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड, ए ए से तो है, सी से है, डी से भी हो जाएगा। सी देखो आप, सी ए से भी है, ए से भी है, बी से भी है एंड डी से भी है। डी जो है वो सी से, सी के साथ भी है, बी के साथ भी है, ए के साथ भी है। तो ये जो ग्राफ है वो कंप्लीट ग्राफ है, और इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं हम के से, और नीचे जो लिखा हुआ है ये होता है वर्टिसेस। तो के फोर इज द ग्राफ, के का मतलब है कंप्लीट, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहा है कि अगर एक कंप्लीट ग्राफ दिया हुआ है के फोर, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ हमारे ये बताने हैं स्पेनिंग ट्री कितनी बनेगी, क्वेश्चन हमारा ये था। तो स्पेनिंग ट्री मैंने आपको समझा दिया, अब देखिए इसकी स्पेनिंग ट्री को निकालोगे तो बहुत ज्यादा बन जाएगी, तो उसको समझने से बेटर है कि मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कंप्लीट ग्राफ अगर आपको दिया हुआ है और क्वेश्चन अगर पूछा हुआ है स्पेनिंग ट्री कितनी होगी, तो सिंपल होता है एन रेज टू पावर एन माइनस टू, दैट इज द सिंपल फॉर्मूला टू फाइंड आउट हाउ मेनी स्पेनिंग ट्री इन केस ऑफ ओनली कंप्लीट ग्राफ। ये याद रखना, कंप्लीट ग्राफ पे ही अप्लाई होगा ये फॉर्मूला। तो एन क्या है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस, दैट इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। तो यहां पर इसका जो रिजल्ट आ जाएगा, एन की वैल्यू है 4, 4 रेज टू पावर 4 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 2 एंड दैट इज इक्वल टू 16। तो 16 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यू कैन से सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसको डिटेल में सिंपल मैंने आपको यहां पर ये बताया है स्पेनिंग ट्री का मतलब क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ का मतलब क्या होता है, और कंप्लीट ग्राफ दिया हुआ है तो उसमें स्पेनिंग ट्री के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको क्लियर किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा हुआ है यहां पर, वो क्या पूछा हुआ है कि प्रीफिक्स इक्विवेलेंट क्या होगा अकॉर्डिंग टू द इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो ध्यान रखना, एक बार मैं इनफिक्स एक्सप्रेशन को लिख लेता हूं, इसको सॉल्व करने के लिए बुक में आपको बहुत ही बड़ा मेथड दिया हुआ है, उस मेथड को फॉलो ना करके, क्योंकि हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हमें फॉलो करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग हम इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बता देता हूं। प्रीफिक्स होता है हमारा जो ऑपरेटर जो है वो पहले आएगा, ऑपरेंड बाद में आएगा, इनफिक्स
होता है हमारा जो ऑपरेटर सेंटर में होता है, ए प्लस बी, ठीक है जी। तो जब कभी भी हमारे यहां पर इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये इनफिक्स एक्सप्रेशन हमें गिवन है। इस इनफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर हमें क्या निकालना है, प्रीफिक्स। तो ध्यान रखना हम बोडमास रूल लगाते हैं। बोडमास रूल क्या कहता है, बोडमास रूल कहता है हमारा पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, यहां पर ब्रैकेट नहीं है, फिर ऑफ होगा वो भी नहीं है, फिर डिवीजन होगी, फिर मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहां पर देखिए ऑपरेटर आपको ध्यान देना है, ऑपरेटर क्या दिया हुआ है, डिवीजन दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, फिर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन है। तो डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले कौन सा सोल्व होगा, डिवीजन। तो डिवीजन क्या मतलब, ए डिवाइड बाय बी। तो शॉर्टकट मैं बता रहा हूं आपको, ए डिवाइड बाय बी को पिक करो, ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, ऑपरेटर पहले आ जाएगा, ए बी इकट्ठा हो जाएगा, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, ए बी, और ऑपरेटर क्या है यहां पर, डिवाइड। समझ में आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद ये एज इट इज रहेगा, ये शॉर्टकट मैं समझा रहा हूं, ये सोल्व करने में थोड़ा सा मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप बहुत इजिली कर लोगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर माइनस आया हुआ है, तो माइनस को सोल्व नहीं करेंगे, ये मैं ब्रैकेट लिख देता हूं, ब्रैकेट का मतलब है ये एक ऑपरेंड बन चुका है, अब इसको एज्यूम करो जस्ट लाइक ए ऑपरेंड, सिंगल ऑपरेंड, ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में क्लोज किया। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझना, माइनस प्लस कि माइनस प्लस का मतलब है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो कि मल्टीप्लीकेशन से पहले सोल्व नहीं हो सकता। तो यहां मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, यहां भी मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लीकेशन को सोल्व करेंगे, तो दो बार अगर जब कभी भी आ जाए तो एसोसिएटिविटी हम फॉलो करते हैं, जिसकी एसोसिएटिविटी बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होती है, तो लेफ्ट वाला ये है, तो इसको पहले सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, स्टार डी ई, इसको सोल्व करेंगे तो स्टार ए सी। ध्यान रखना पोजिशन बिल्कुल सेम रहेगी, ए पहले है सी से, तो ए पहले ही रहेगा, बस ऑपरेटर पहले चला जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहां पर इसको मैंने एक ऑपरेंड बना दिया, यहां पर प्लस माइनस सी डिवाइड ए बी, ये चीज हमारी बन चुकी है, ये ब्रैकेट में जो मैंने लिखे हैं ये सोल्व हो चुके हैं, ये ऑपरेंड बन चुके हैं। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस में एसोसिएटिविटी हमारी जो सबसे ध्यान रखना, यहां पर माइनस और प्लस की जो रैंक होती है वो एक ही होती है, यहां पर लिखा हुआ है, मगर जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है वो उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो एक ही होती है। तो माइनस और प्लस में सबसे पहले कौन सा सोल्व होगा, अगर एक ही प्रायोरिटी हो तो एसोसिएटिविटी काम आती है, एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, तो पहले माइनस सोल्व होगा तो यहां पर आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे हम पहले तो माइनस आगे आ जाएगा, ये पहला ऑपरेंड है, दूसरा ऑपरेंड क्या है सी, और माइनस आगे आ जाएगा ऑपरेटर, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आ गया। अब देखिए ये एज इट इज रह जाएगा, ये हमारा ऑपरेंड बन चुका है अब, ठीक है, क्लियर। अब प्लस और माइनस, ऑब्वियसली प्लस पहले सोल्व होगा लेफ्ट के अकॉर्डिंग, इसको मैंने एज इट इज रख दिया, स्टार डी ई, देखिए ये वाला ये एज इट इज रख दिया और ये वाला ये एज इट इज रख दिया, प्लस को मैं आगे ले गया बस, माइनस ये ओपरेंड बन चुका है अब, स्टार ए एंड सी, ठीक है जी। सो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे, ये ओपरेंड बन चुका है, माइनस सबसे आगे आ जाएगा, माइनस प्लस ये एज इट इज रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन को सोल्व करते हुए, और ये बाद में आ जाएगा। तो अगर आप मैच करो तो पहला ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट मैच कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, ये मेरे को समझाने में 2-3 मिनट लगी, अदरवाइज आप क्वेश्चन में को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लोगे, ठीक है, एग्जाम के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग बाइनरी ट्री इज फॉल्स। ध्यान रखना क्वेश्चन को जरूर कंप्लीट सुनना, बार बार मैं बता रहा हूं, फॉल्स कंडीशन यहां पर पूछी हुई है, एक ट्री दी हुई है, इसमें ये पूछा हुआ है क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, क्या ये बाइनरी सर्च ट्री है, क्या ये सिबलिंग्स को फॉलो कर रहा है, क्या ये एंसेस्टर को फॉलो कर रहा है। देखिए सिबलिंग क्या होती है, ब्रदर एंड सिस्टर, तो यहां पर जे एंड के आर सिबलिंग्स, देखिए जे एंड के दोनों का पेरेंट जो है वो ई है, तो ऑब्वियसली जे एंड के जो है वो आपस में सिबलिंग होंगे, इट मे बी ब्रदर ब्रदर, इट मे बी सिस्टर ब्रदर, या ब्रदर सिस्टर, तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, सिस्टर सिस्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि फॉल्स पूछा है और ये तो ट्रू है, ठीक है, तो ट्रू कंडीशन है ये, तो यहां पर ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। तो नोड बी इज द एंसेस्टर ऑफ नोड जे,
नोड बी जो है वो एंचेस्टर है नोड जे का। एंचेस्टर का मतलब क्या होता है? एंचेस्टर का मतलब होता है पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट या ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट। तो बी जो है वो ग्रैंड पेरेंट है जे का, बिल्कुल है। तो ये भी हमारा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने फॉल्स पूछी हुई है और ये ट्रू स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस ट्री। ठीक है जी। अब ए और बी में देखिए कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होती है। कंप्लीट बाइनरी ट्री सिंपल सा ये कंसेप्ट होता है हमारा, जितने भी लेवल है वो कंप्लीट होंगे। जैसे फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल, ये कंप्लीट है। कंप्लीट करने का मतलब है कि कोई भी लेफ्ट या राइट में कोई भी नोड एम्प्टी नहीं होगा, ये कंप्लीट है। उसके बाद जो लास्ट लेवल है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट फिल होगा। देखिए बाइनरी ट्री की हम बात कर रहे हैं, बाइनरी ट्री का मतलब होता है हर नोड पे एटमोस्ट टू नोड ही इंसर्ट हो सकते हैं। हर एक नोड के जो चाइल्ड होंगे वो एटमोस्ट टू ही होंगे। तो यहां पर डी के मैक्सिमम चाइल्ड क्या है? एच एंड आई। तो दो नोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई के भी, जे एंड के, तो लेफ्ट टू राइट फिल करेंगे। ई कंप्लीट होने के बाद ही हमारा एफ कंप्लीट होगा। तो इसका पहले लेफ्ट पार्ट आएगा, फिर राइट पार्ट आएगा, फिर इसका लेफ्ट आएगा, फिर राइट आएगा। तो दैट मीन्स ये हमारा कंप्लीट है, लास्ट लेवल कंप्लीट नहीं है। कोई बात नहीं, ये हमारा फिल जो है वो लेफ्ट टू राइट ही हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कि दैट इज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री, बिल्कुल दैट इज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने फॉल्स पूछा हुआ है और ये ट्रू है। ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है? अभी हमने इस वीडियो में देखा था, ये क्वेश्चन आया था बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर। बाइनरी सर्च ट्री होती है जो भी नोड दिया हुआ है उसके लेफ्ट में स्मॉलेस्ट वैल्यू वाला होगा और राइट में ग्रेटर वैल्यू होगा। तो ए की जो वैल्यू है, ध्यान रखिए ये अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट में भी जो अल्फाबेटिक ऑर्डर होते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5। तो ये जो दिया हुआ है 1 से ग्रेटर होता है 2, तो ये तो वायलेट कर गया है। यहां पर लेफ्ट में हमेशा स्मॉलेस्ट आएंगे, तो ये हमारा फॉल्स है, इट इज नॉट ए बाइनरी सर्च ट्री। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में फॉल्स पूछा हुआ था, बिल्कुल ये बी ऑप्शन हमारा फॉल्स है। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 9th क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं। ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चन गेट के लिए है, कुछ क्वेश्चन सीआईएल एग्जाम के लिए, कुछ एनवीएस केवीएस इस टाइप के क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन ही मैं यहां पर सोल्व कर रहा हूं, जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में आया तो ये रिपीट होने के पूरे पूरे चांस है। तो यहां पर देखिए मैच द फॉलोइंग, ये पूछा हुआ है कि एक लिस्ट दी हुई है, ये सेकंड लिस्ट है, कौन सा किससे मैच करता है? तो बाइनरी ट्री, ट्री, हीप ट्री, स्टैक। तो मैं बहुत सिंपल से वे में आपको समझा देता हूं। यहां पर लीनियर और नॉन लीनियर पूछा हुआ है। लीनियर हमारे कुछ डाटा स्ट्रक्चर होते हैं लीनियर, और कुछ होते हैं हमारे नॉन लीनियर। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं हमारे? एरे हो गया, स्टैक हो गया और क्यू हो गया। तो ये हमारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर होते हैं ट्री एंड ग्राफ। तो ये हमारे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। लीनियर का मतलब होता है जो कि हमारा किसी ना किसी सीरीज में हो, ट्री और ग्राफ में हमारा कोई किसी भी पोजिशन पे हो सकता है। ठीक है, उसका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता। तो स्टैक जो है किससे मैच कर रहा है? लीनियर से। और स्टैक जो है लीनियर से कर रहा है, ट्री जो है वो नॉन लीनियर से कर रहा है। ठीक है जी। अभी हमने देखा था तो स्टैक एंट्री, स्टैक आई जो है एस से मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। थर्ड जो है वो पी से कर रहा है, तो देखिए थर्ड पी से कर रहा है, इसमें भी आई एस से कर रहा है, ये दोनों तो हमारे करेक्ट लग रहे हैं। थर्ड और फोर्थ जो है बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब आप दिमाग लगाओ वहां पर कि हमारे चार में से दो ऑप्शन तो इनकरेक्ट मिल ही जाएंगे। ठीक है जी। अब मेन जो रह जाता है वो दो क्वेश्चन पे ही रह जाता है। अब देखिए सेकंड जो है वो क्यू या आर से मैच करेगा। आपको मैं क्लियर कर देता हूं, जो बाइनरी ट्री है वो हमेशा कब अप्लाई होती है? बाइनरी ट्री हमेशा ऑर्डर लिस्ट के ऊपर ही अप्लाई होती है, क्योंकि आपने बाइनरी सर्च किया होगा तो बाइनरी ट्री भी हमारी ऑर्डर लिस्ट में होती है। और हीप की जो प्रॉपर्टी होती है वो हीप तभी होगा जब वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। ठीक है। तो सेकंड क्यू से मैच कर रहा है और फोर्थ जो है वो किससे मैच कर रहा है? आर से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन भी, 9th क्वेश्चन में सेकंड जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से लास्ट क्वेश्चन आ रहा है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें आपको फंक्शन को समझना है
कैसे हम अप्लाई करते हैं, है बिल्कुल मैथमेटिकली बहुत सिंपल सा। क्वेश्चन को समझते जाओ और इसको सॉल्व करते जाओ। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है मगर है बहुत इजी। देखिए यहां पर ये पूछा हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन के अंदर ये पूछा हुआ है कि एफ ओ फाई इनिशियली क्या है, जीरो। एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ओ पुश एस कोमा आई दैट इज इक्वल टू दिस वन प्लस आई फॉर ऑल स्टैक। स्टैक की वैल्यू दी हुई है इंटीजर आई। इंटीजर में स्टैक के अंदर क्या क्या स्टोर करना है आपको, टू करना है, फिर -3, 2, -1, 2, पांच एलिमेंट दिए हुए हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप। स्टैक के अंदर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये पूछा हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एस। ये भी हमारा गेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, तो वहीं से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत इजीली वे में कर सको एग्जाम के अंदर। ठीक है जी, तो यहां पर मैं एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं बहुत सिंपल वे में। मैंने यहां पर क्या लिख दिया, एफ ऑफ एस जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। दिस वन मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एस कोमा जीरो, जो कि हमें यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। आई इसके अंदर ये दोनों चीज सोल्व करनी पड़ेगी, तो इसको मैंने अलग अलग लिख लिया है इस फंक्शन को, और जो वैल्यू हमारी अपडेटेड वैल्यू होगी ये फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दीज, दोनों को ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो ये अपडेटेड वैल्यू आ जाएगी, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इनिशियली एफ ओफ एस की वैल्यू जो दी हुई है वो जीरो दी हुई है, एफ ओफ फाई का मतलब एफ ओफ एस इनिशियली गिवन है जीरो, ठीक है जी। मैक्सिमम ऑफ एफ ओफ एस कोमा जीरो, एफ ओफ एस की वैल्यू क्या है, जीरो। जीरो और जीरो में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो यहां आएगी, तो ये तो जीरो ही होगी स्टार्टिंग में। अब आई का मतलब क्या है, आई इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दैट विल बी पुश इन द स्टैक। तो आई जो है हमारे वन बाय वन को पुश करेंगे हम, पहला एलिमेंट आ रहा है टू, टू को पुश करेंगे तो यहां पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू एफ ओफ एस इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस वन प्लस आई, मतलब इन दोनों का एडिशन। तो जीरो प्लस टू कितना हो जाएगा, टू, ठीक है जी। इसी तरह से ये वाली वैल्यू अपडेटेड वैल्यू यहां पर जाएगी नेक्स्ट केस में, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ एफ ओफ एस कोमा जीरो, एफ ओफ एस की वैल्यू क्या है, जीरो, सॉरी एफ ओफ एस की वैल्यू है टू और जीरो में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, टू, तो टू वैल्यू यहां रिटर्न हो जाएगी। आई मतलब नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है यहां पर, -3, और ये वैल्यू होती है टू -3 का एडिशन। तो अगर एडिशन में करूंगा तो यहां क्या आ जाएगा, -1, ठीक है जी। -1 वैल्यू यहां पर चली जाएगी। अब मैक्सिमम ऑफ एफ ओफ एस कोमा जीरो मतलब -1 और जीरो में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, देखिए ध्यान रखना यहां गलती करते हैं, -1 और जीरो में से मैक्सिमम वैल्यू है जीरो, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जो है वो स्मॉलेस्ट होती है एज कंपेयर टू द जीरो। आई मतलब नेक्स्ट एलिमेंट टू, जीरो प्लस टू, जीरो प्लस टू इज टू, टू यहां चला जाएगा नेक्स्ट के केस में, ठीक है, तो टू यहां पर चला जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम टू और जीरो में से टू, आई वैल्यू आ रही है हमारी -1, तो टू -1 इज वन, वन यहां पर रिटर्न हो जाएगी वैल्यू। उसके बाद मैक्सिमम वन और जीरो में से वन, आई वैल्यू मतलब नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज टू, तो वन प्लस टू इज थ्री। तो इसने पूछा है कि व्हाट इज द एफ ओफ एस, मतलब फाइनली अपडेटेड वैल्यू जो है एफ ओफ एस की वो क्या आ रही है, थ्री। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन इज थ्री, मतलब सी ऑप्शन। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी वे में मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक चीज बहुत बारीकी से मैंने आपको क्लियर किया है। ऐसे ही हम सीरीज को स्टार्ट रखेंगे, एवरी डे मैं एक वीडियो को अपलोड करूंगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।